कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लटकने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ नजर आ रहा है और कार चालक जिगजैग करते हुए पुलिसकर्मी को गिराने की कोशिश कर रहा है। ये घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे धौला कुआं के पास की बताई जा रही है। दरअसल ट्रैफिक कर्मी महिपाल अपनी टीम के साथ धौला कुआं पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक फैंसी नंबर प्लेट लगी गाड़ी नजर आई, जिसे ट्रैफिक रूल तोड़ने के चलते उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ाते हुए पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने खुद को बचाते हुए जंप मारी और कार के बोनट पर चढ़ गए। कार ड्राइवर करीब 400 मीटर तक पुलिसकर्मी को बोनट पर घुमाता रहा। इसके बाद आरोपी ने एकदम से ब्रेक मारा और महिपाल धड़ाम से नीचे आ गिरे। उनकी जान बाल बाल बच गई। इसके बाद कार चालक वहां से भाग निकला। हालांकि पुलिस ने 1 किलोमीटर बाद कार चालक को दबोच लिया। आरोपी की पहचान शुभम के तौर पर हुई, जो उत्तम नगर का रहने वाला है। कार में उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी बैठा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम ने बताया कि सिपाही के बोनट पर गिरने के बाद वो डर गया था और इसीलिए कार को भगाने लगा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।